नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार मैं आपके बीच में बैठकर बात कर रहा हूं। इसका मतलब है कि मेरे साथ आज कोई ना कोई मेहमान और बैठे हुए होंगे, क्योंकि मेहमान नहीं रहते तो मैं कांग्रेस, भाजपा या किसी और पार्टी के उम्मीदवार की तरह मैं भी खड़े रहता, चुनाव का मौसम जो चल रहा है। खैर, एक बड़ा ज़रूरी मुद्दा है छत्तीसगढ़ को लेकर, और मेरा ऐसा मानना है कि देश के जिन आधा दर्जन राज्यों में नक्सल समस्या है, नक्सल हिंसा है जिन आधा दर्जन राज्यों में, उनमें से छत्तीसगढ़ ऐसा पहला और अकेला राज्य है जहां पर मौजूदा सरकार बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, यहाँ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा गृह मंत्री भी हैं। विजय शर्मा ने अपने पहले एक इंटरव्यू, शुरू के कुछ इंटरव्यूज़ में से एक इंटरव्यू में उन्होंने खुल के इस बात की वकालत की कि हम नक्सलियों से शांति वार्ता करना चाहते हैं। मुझको ये बात चौंका रही थी कि अभी तक छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। भारत सरकार जो कि बीजेपी की ही है, वहाँ पर अमित शाह के अगुवाई में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, तो न केंद्र में न राज्य में किसी मंत्रिमंडल में किसी विभाग में ऐसी चर्चा नहीं हुई। नए नए गृह मंत्री, उन्होंने इतना बड़ा मुद्दा उठाया कि हम नक्सलियों से शांति वार्ता करना चाहते हैं। अगले किसी इंटरव्यू में उन्होंने या अगले किसी बयान में उन्होंने ये भी कहा, अगर नक्सलियों को बात करने में दिक्कत है मुझसे आके बात करने में, वो मुझको वीडियो कॉल लगा लें, मैं उस पर बात कर लूँगा। मेरे हिसाब से बड़ी बात थी ये दोनों बातें, मेरे हिसाब से बड़ी बात थी। नई सरकार है बीजेपी की, बीजेपी की सरकार ज़्यादा कड़क मानी जाती है नक्सल मोर्चे पर, जैसा कि हमको बस्तर में दिख रहा है। पिछले करीब 4 महीनों में 100 के करीब नक्सली मारे गए हैं वहाँ पे, पुलिस मुठभेड़ में, पुलिस ऑपरेशन में 100 नक्सली मारे गए हैं। छोटी नहीं है ये गिनती, शायद ये पिछले बहुत सालों में किसी भी 4 महीने में मुठभेड़ में मारे जाने वाले शायद ये सबसे अधिक संख्या में लोग हैं। तो सरकार एक तरफ कड़क है, एक तरफ नरम भी दिख रही है, इसमें विरोधाभास मुझको नहीं दिखता है। मुझको लगता है इन दोनों चीज़ों की गुंजाइश रहती है। दुनिया में दो देशों के बीच जंग भी चलते रहती है और शांति वार्ता भी चलते रहती है। इसराइल और फिलिस्तीन के हमास के बीच एक जंग भी चल रही है, लेकिन इन दोनों के बीच किसी तीसरे देश में बैठकर एक शांति वार्ता भी चल रही है कि क्या युद्ध विराम हो सकता है। ठीक इसी तरह छत्तीसगढ़ की सरकार चाहती है, और मैं उनकी नीयत पे कोई शक नहीं करता हूँ, इतनी बार गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसको दोहराया है, मैं मानता हूँ कि ये चाहते हैं नक्सलियों से बातचीत करना। ये एक बात और बोल चुके हैं अभी, और बिल्कुल नई बात है। उन्होंने कहा कि हम नक्सलियों का पुनर्वास करना चाहते हैं, उसमें हम तमाम लोगों से राय चाहते हैं पुनर्वास कैसा होना चाहिए। उन्होंने एक ईमेल एड्रेस दे दिया और एक गूगल डॉक्यूमेंट का एक लिंक दे दिया कि नक्सली भी इसमें अपनी राय भेज दें, नक्सली अपनी मांग भेज दें, राय भेज दें, सुझाव भेज दें कि नक्सलियों का पुनर्वास कैसा होना चाहिए। बड़ी अनोखी बात मुझको तो लग रही है, इतनी अनोखी है या नहीं है, इसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ छत्तीसगढ़ के एक पिछले स्पेशल डीजी आरके विज मौजूद हैं, जो कि लंबे समय तक नक्सल मोर्चे को देखते रहे हैं। वो मुखिया भी रहे हैं नक्सल मोर्चे के, पुलिस की तरफ से। इन दिनों वो नक्सल मोर्चे पर एक किताब भी लिख रहे हैं, उसके लिए दौरा भी कर रहे हैं। मैं नहीं जानता ये किताब की बात बहुत गोपनीय तो नहीं है, मुझको कहना चाहिए था कि नहीं ये प्रचार है कि उनका राज खुल जा रहा है, जो भी है वो एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब लिख रहे हैं नक्सलियों के बारे में। देश के एक सबसे बड़े प्रकाशक, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक इस किताब को लेके बड़े उत्साह से उनका इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं उस किताब में क्या रहता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में और पिछले एक हफ्ते में खासकर जो नक्सलियों से पुनर्वास पर जो समाधान मांगा गया है, सुझाव मांगे गए हैं उनके, इन दो मुद्दों पे मैं उनसे बात करना चाहता हूं। आज हमने उनको यहां न्योता दिया था, वो समय निकाल कर यहां पर आए हैं। विद साहब, आपका बड़ा स्वागत है, आप समय निकाल कर यहां पर आए। थैंक यू। आपने सुना, मैं जिन दो मुद्दों पर आपसे बात करना चाहता हूं, उसमें एक तो ये है कि छत्तीसगढ़ की नई मौजूदा विष्णुदेव साई की अगुवाई वाली बीजेपी की सरकार, इसके उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बार बार ये कहा है कि वो नक्सलियों से शांति वार्ता करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, आप पिछले
जब से राज्य बना है तब से तो आप लगातार यहीं पर हैं जी। आप पिछले 23 साल 24 साल से छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं, उसके पहले भी छत्तीसगढ़ का नक्सलवाद जो है आपने जहां भी रहे होंगे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आईपीएस होने के कारण आपने कुछ ना कुछ देखा होगा, पढ़ा भी है, आपने नक्सल मोर्चे के मुखिया भी रहे। सरकार ने अभी जो कहा है शांति वार्ता का जो प्रस्ताव दिया है, कहा है कि हम वीडियो कॉल पे भी बात करने को तैयार हैं, आपको क्या लगता है ये क्या सरकार गंभीर है इस प्रस्ताव को लेकर? देखिए जैसे आपने कहा कि अभी डिप्टी सीएम साहब जो मिनिस्टर भी हैं उन्होंने न्योता दिया है, लेकिन अभी नक्सलियों की तरफ से जो सामान्यतः उनका जो रिस्पांस रहता है कि शर्तें क्या रहेंगी, किस शर्तों पे करेंगे, ऐसा रिस्पांस मैंने अभी देखा नहीं उनका। लेकिन पहले आंध्र प्रदेश में भी कुछ चर्चाएं हुई थी और उसके बाद यहाँ भी एक बार प्रयास हुआ था। तो मैं शांति वार्ता का प्रयास यहाँ हुआ था छत्तीसगढ़ में कि एक किडनैप किए गए आईएएस को छुड़ाने भर का प्रयास हुआ। हाँ, उसी के अंदर चली थी बात कि शायद एक लेटर भी पूर्व गृह मंत्री यूनियन होम मिनिस्टर का वो पुंजाने की बात थी उसके अंदर, जिसके अंदर वार्ता उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चिदम्बरम साहब जी में उनका भी एक ऑफर था बातचीत का। तो ये मैं पिछली वार्ता जो है क्योंकि उसमें तो वार्ता हो नहीं पाई थी, लेकिन आंध्र प्रदेश की जो वार्ता हुई थी वो मेरे जहन में है। मैंने मेरे ख्याल से उसमें एक रिटायर्ड आईएएस शंकरन थे जी जी, जी वो उसमें मध्यस्थ थे, वो जो पीस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले की जो कमेटी में थे उसके मेंबर भी थे। मैंने इसका अध्ययन किया था, इसका रिजल्ट किया हुआ था, क्योंकि उसका जो जो परिणाम आया था दो बातें हैं। एक तो है कि जो शर्तें हैं कि सामान्यतः हमने देखा है क्योंकि इसके अंदर जो इनका पूर्व महासचिव है सीपीआई माउस्ट का गणपति, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के माध्यम से अपनी कुछ शर्तें रखी थी कि जब भी हम बात करेंगे ये हमारी पार्टी का स्टैंड है, बिल्कुल ये स्टैंड है कि इस स्टैंड के बिना हमारी शर्तें नहीं मानी जाएंगी, तो हम मान के चलेंगे कि सरकार गंभीर नहीं, जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस हटाएं इस तरह की उसमें कुछ एक दो तीन है, मैं दो तीन का जिक्र करूंगा क्योंकि आई एम वेरी श्योर जब पिछली सरकार ने भी हमारे यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने जब कहा था तब उन्होंने ऑफर किया था और बोला था कि ये हमारी शर्तें हैं, उस समय उन्होंने शर्तों की बात की थी, लेकिन सीएम साहब ने कहा था कि हथियार छोड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में जब बात करेंगे फ्रेमवर्क में तभी हम बात करेंगे। तो ये बातें जो थी दोनों तरफ की शर्तें थी उस समय। तो शर्तें देखिए उनकी जो शर्तें हैं उनकी शर्तें मैं दो तीन बताऊंगा क्योंकि आप चर्चा की बात कर रहे हैं और चर्चा का विषय भी है अभी शांति वार्ता का। उनकी पहली शर्त ये रहती है कि फोर्सेस को विड्रॉ कर लीजिए। नाउ ये गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी इस बात से सहमत नहीं होगी, एक ऐसा एरिया है जहां स्टेट के खिलाफ भी आर्म स्ट्रगल चल रही है, तो वो अपनी फोर्सेस जो हटा लें। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी था कि आप कुछ समय तक ऑपरेशंस रोक देंगे, तो वी अज्यूम कि यू हैव विड्रॉन ऑपरेशंस, मान लीजिए वो उसके इक्विवेलेंट था। तो ये इंटरप्रिटेशन भी माउस ने अपना दिया था कि आप कुछ दिन के लिए ऑपरेशंस को रोक दिए, इसे आंध्र प्रदेश में हुआ भी। बिल्कुल। दूसरा उनका कहना था कि हमारी जो 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 हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनका सीपीआई माउस्ट है वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, तो हम बात करने के लिए नहीं आ सकते बाहर क्योंकि आएंगे तो आप अरेस्ट करेंगे, तो आपको जो हमारे सीनियर काडर हैं उनको आपको छोड़ना पड़ेगा जो बातचीत के लिए आएंगे। वो बातचीत के लिए तो सीनियर्स को छोड़ना ही पड़ेगा, ये उनकी कंडीशन है, या तो कमिटी जेल जाके बात करे। तो मेरा उस समय, मैंने उस समय एक लेख लिखा था पुराने सारे अनुभवों से, तो मेरा ऐसे मानना था कि छत्तीसगढ़ में कोई इतना बड़ा सीसी मेंबर अरेस्ट नहीं किया हमने, हमारे यहाँ कोई ऐसा हिरासत में नहीं है, तो हम उसको छोड़ नहीं सकते, तो आपको अपनी ये शर्त को रिलैक्स करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको देखना पड़ेगा कि हमारे कब्जे में जो है हम छोड़ेंगे कैसे, कि इसमें से किसको छोड़ें हम, तो वो उस बात को मतलब वो निगोशिएबल इस टाइप की बातें हैं। तो ऐसी एक और शर्त है, तो जो शर्तें हैं उनकी वो इस प्रकार की हैं कि जिसको हमको अगर वाकई सीरियस हैं, अगर ऐसी शर्तें आती हैं, अभी तो इसमें कुछ शुरुआत नहीं हुई, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने पार्टी का एक स्टैंड क्लियर किया हुआ है, तो वो स्टैंड के तहत अपन को देखना पड़ेगा कि क्या हम इन शर्तों में बातचीत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरा, जो माउस्ट की जो अपनी लाइन है, उनका कहना है कि हमारा जो जो हमारा रिवोल्यूशन है वो आर्म स्ट्रगल का है, हमारे उसके अंदर बातचीत का कोई स्कोप नहीं है। हालांकि वो उसको अपनी कार्यनीतिक मतलब वो मानते हैं कि ये टेक्टिकल मूव हम ले सकते हैं, लेकिन जब पिछली बार आंध्र प्रदेश में बातचीत हुई थी तो वो जो अनुभव था कि जब बातचीत हुई थी वो समय में
उन्होंने इस्तेमाल किया था अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करने, मजबूत करने के लिए। जब आप ऑपरेशन नहीं करेंगे, पुलिस फोर्सेस बाहर नहीं निकलेंगी, तो वो लोगों को ऑर्गेनाइज करने में आप उनको मीटिंग करने से नहीं रोक पाएंगे। बिल्कुल। और फिजिकली डिफिकल्ट भी होगा, अगर मान लो थ्योरी पे मान भी जाए तो। हाँ। तो लोगों को ऑर्गेनाइज करके वो अपनी बात कहने में ज्यादा काबिल वो हो पाएंगे। हाँ। सफल हो पाएंगे। हाँ। तो और उनका कहना था कि पुलिस ने भी तो हमारे चेहरे देख लिए, कई ऐसी चीजें थी जो पुलिस समझ गई, तो उनको भी फायदा हुआ है। हाँ। तो हमको एक ये ट्रेड ऑफ देखना पड़ेगा। हाँ। कि जब बातचीत हम कर रहे हैं उस समय उनकी एक्टिविटीज क्या हैं। आंध्र प्रदेश में जो वार्ता फेल हुई थी वो यही हुई थी कि शुरुआत में जब वो बड़े कार्डर बाहर आ रहे थे। हाँ। तो हथियारों के साथ उनके फोटो थे। हाँ। वो खुलेआम हथियार ले डाउन करने की शर्त नहीं थी, लेकिन बाद में पुलिस ने और गृह मंत्री ने फिर ऐसा स्टैंड लिया कि इस ऐसा नहीं हो सकता। ये बातें हैं, देखिए दो चीजें हैं, ये बात बात करने से पहले की शर्तें हैं जो आपको अपनों को सेटल करनी है। उसके बाद मुद्दा ये भी फेल इसलिए भी हुआ था आंध्र प्रदेश का कि उसके बाद बात क्या करनी है ये तय नहीं हुआ था। हाँ। वो मतलब फर्स्ट स्टेज में करेंगे, फिर सेकंड में करेंगे, अल्टीमेटली जो डिमांड्स हैं उसमें हम क्या क्या मानने को, ये शर्त पहले की है, बाद में क्या क्या मानेंगे तो उसका भी एक एजेंडा, मतलब गवर्नमेंट या वो दोनों का एक वो भी ऐसी कमेटी बीच में हो जो तय करे कि ये चर्चा भी 1, 2, 3 इन पॉइंट्स पे करेंगे हम। तो मुझे लगता है ये जो पहल की है, ये जैसे आपने कहा पहल अच्छी है बिल्कुल ही वार्ता की, लेकिन इसके अंदर जो जो माउस का अभी तक स्टैंड रहा है, अगर इसमें बातचीत करने के लिए कुछ ऐसा लगता है कि कुछ निगोशिएशंस हो सकती हैं कहीं ना कहीं, अगर आपको अपना स्टैंड थोड़ा सा कहीं ना कहीं यील्ड करना पड़ेगा उसको, अगर हथियार छोड़ के आप कहने की बात करेंगे तो वो ये उनका ये स्टैंड है कि आप बातचीत के लिए तैयार नहीं है, नहीं है, क्योंकि वो उसको छोड़ेंगे नहीं, उनका वो है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक यानी आप उनको हथियार छोड़ने कहें, वो आपको फोर्स विड्रॉ करने कहें तो आगे बात बढ़ेगी। समझना चाहता हूँ विद साहब, बातचीत के लिए कोई शर्तें जरूरी रहती हैं क्या? बिना शर्तों के बातचीत नहीं हो सकती क्या? देखिए हम तो तैयार हो सकते हैं। उनका कहना है कि एक तरफ आप मारते रहोगे हमको, ऑपरेशन करेंगे, और दूसरी तरफ से हमारे से बातचीत करेंगे, हम तैयार नहीं है, आपको मारना रोकना पड़ेगा हमको। इसी प्रकार शर्तें, इसी प्रकार शर्तें दोनों तरफ से बड़ी बड़ी और कड़ी कड़ी शर्तें हैं। सरकार सरकार के लोग कहते हैं कि आप बंदूक को छोड़ो पहले, जी तब हम करेंगे, जी आप बंदूक को छोड़ो तो हम बातचीत करेंगे। सरकार ये कहती है, मुझको बहुत सारे नेताओं का याद है, आप पहले भारत के संविधान में भरोसा करो तो हम करेंगे। अगर भारत के संविधान में उनका भरोसा रहेगा तो आपको बातचीत की जरूरत ही क्या है? वो हथियार नहीं उठाएंगे, फिर हथियार नहीं उठाएंगे, फिर बातचीत की जरूरत क्या है? इसीलिए माउस ने अपना स्टैंड में अपने पॉइंट्स रखे थे। तो मुझे लगता है उनका कहना सही है कि हमारा भरोसा नहीं है भारत के संविधान में, ये उनका कहना है। मेरा ये मानना है विज साहब कि कोई भी लोकतांत्रिक सरकार जो है किसी भी देश की, अगर लोकतंत्र है, सरकार जो है उसकी जिम्मेदारी रहती है कि अलोकतांत्रिक ताकतों को लोकतांत्रिक बनाए। लोकतांत्रिक ताकत के ही ऊपर ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी रहती है, आपको ध्यान होगा। सही कह रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे हथियारबंद आंदोलन चलते रहे, अलग अलग समय उसके बावजूद 50 साल से चल रहे हैं, कभी बंद नहीं हुए। एक दिन भी 50 साल में ऐसा नहीं रहा, 60 साल में, कि नॉर्थ ईस्ट में किसी एक हिस्से में हथियारबंद आंदोलन न चलता रहा हो। कुछ एक बातचीत तो लंदन में बैठ के हुई भारत सरकार की उनके साथ, याद है आपको, लालडेंगा या किसी के साथ में बिल्कुल लंदन में समझौता हुआ। लंदन में समझौते के कागज पे दस्तखत हुए थे भारत सरकार और भारत के एक प्रदेश के एक हथियारबंद आंदोलनकारी के बीच में। मुझको लगता है कि बातचीत जो है ये अपने आप में लोकतांत्रिक सरकार की कामयाबी रहती है कि जिसका संविधान पे भरोसा नहीं है, जो बंदूक की जुबान बोलना चाहते हैं, उनको आप बातचीत की टेबल तक ले आए, ये लोकतंत्र की कामयाबी रहती है, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मुझे लगता है ऑफर, और इसलिए अच्छी बात है कि अगर गृह मंत्री जी ने ऑफर दिया है और अभी शर्तों की बात हुई नहीं है तो वो माउस कैसा रिस्पॉन्स करते हैं वो वेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बात को बढ़ाया जा सकता है। तो ये दूसरा एक चीज मुझको बतलाइए, आप पूरी जिंदगी पुलिस में रहे, कामकाजी पूरी जिंदगी, और नक्सल मोर्चे पे भी रहे, आपने अपने साथियों को भी खोया है नक्सल हमलों में। आप जिस समय रहे उस समय भी एनकाउंटर में दोनों तरफ के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। बिल्कुल। आपके मन में दर्द भी होगा, नक्सलियों के खिलाफ एक नाराजगी भी होगी कि आपके साथियों को उन्होंने मारा है।
पुलिस के तमाम लोगों के मन में कुछ न कुछ एक पूर्वाग्रह नक्सलियों के खिलाफ होगा कि ये हिंसक हैं, पुलिस को मारा हुआ है, इनसे कैसे बात हो सकती है। क्या पुलिस फोर्स इलेक्टेड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो कि विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, क्या इन लोगों को नक्सल मोर्चे जैसे मोर्चे पर बातचीत की सलाह देने के लिए, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, क्या पुलिस के अफसर ठीक हैं, क्या पुलिस के अफसर सही अफसर होंगे बातचीत की सलाह देने के लिए, या सरकार को पुलिस से परे निगोशिएटर से समझना चाहिए कि कैसे बातचीत हो, क्या हो, क्या पुलिस के पूर्वाग्रह जो हैं, बायस जो है नक्सलियों के खिलाफ, बातचीत शुरू होने के पहले पटरी से उतार दे, ऐसा खतरा एक नहीं होगा? नहीं, देखिए आपकी बात में दम है थोड़ा सा, लेकिन मैं थोड़ा इसको व्यापक ढंग से देखिए कि देखिए माओइज्म का आप देखिए इस व्यवस्था के स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, सभी हैं, ये तो पुलिस इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, तो आप नेग्लेक्ट भी नहीं करेंगे। गोली पहले तो पुलिस की छाती पे ही लगती है, तो आप उनको हिस्सेदार तो आपको रखना पड़ेगा। आप जो सोसाइटी के दूसरे हिस्से हैं उसमें मीडिया भी रहे, मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका उसमें रहती है, उसमें और जो इस टाइप की पीस टॉक्स का जिनकी एक्सपर्टीज है, डोमेन एक्सपर्ट हैं कई लोग जो जानते हैं कि इन मुद्दों पे निगोशिएट कैसे करना है, लोगों को टेबल पे लाएं कैसे, ये इसीलिए वो जो कमेटी ऑफ कॉमन्स ऐसा कुछ नाम था आंध्र प्रदेश में, तो वो वार्ता से पहले एक कमेटी बनाई जाती है। तो मुझे लगता है एक लाइक माइंडेड जो भी वायलेंस के जो लाइक माइंडेड एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेड जो दोनों पक्षों को मंजूर हो नाम, बिल्कुल। आपको ध्यान होगा एलेक्स पाल मेनन जो आईएएस अफसर थे, सुकमा कलेक्टर थे, उनको जब नक्सलियों ने किडनैप किया था उस वक्त उनकी रिहाई के लिए जो नक्सलियों की तरफ से और सरकार की तरफ से एक मिलीजुली कमेटी बनी थी, उसमें कुछ एक नाम नक्सलियों ने दिए थे, कुछ सरकार ने दिए थे, दोनों तरफ के नाम दोनों पक्षों को मंजूर थे, तब वो बातचीत चली थी, कुछ उनकी छोटी छोटी शर्तें मंजूर हुई थी और आखिरी में उन्होंने उस आईएएस अफसर को रिहा किया था। तो खैर मैं उसके ऊपर बाद में आता हूँ, लेकिन अभी मैं इस पे आ रहा हूँ कि क्या पुलिस जो है इतना नुकसान झेली हुई है पुलिस, आप लोग आप जितने समय रहे होंगे नक्सल मोर्चे के इंचार्ज ताबूतों को सलामी देते देते दिल टूट गया होगा, शायद हो सकता है रात का खाना भी गले नहीं उतरता होगा कि ताबूत को सलामी दे के आए हैं, क्या खाना खाएं, ऐसा होता होगा, मुझको नहीं मालूम, आप गम गलत करने में भरोसा रखते हैं कि नहीं, लेकिन ऐसी नौबत आती होगी लोगों के साथ। क्या पुलिस ऐसे निगोशिएशन को, उसके लिए सलाह देने को सही फोर्स है क्या? मैंने जैसे आप बोला ना, वो वन ऑफ द फैक्टर्स हो सकती है, अगर आपकी तीन चार सदस्यों की लेकिन टीम केवल है, पुलिस के कंधों पे केवल नहीं, नहीं चलेगा। नहीं, मैंने इसीलिए बोला कि जो और लाइक माइंडेड हैं, जो एक्सेप्टेबल हैं, जो सिविल सोसाइटी हैं, जी हाँ, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, और उन सबको सम्मिलित करना चाहिए, कई माइंड्स होने चाहिए उसको, इसको आगे पुश करने के लिए, केवल पुलिस नहीं, केवल पुलिस नहीं, लेकिन पुलिस को अलग भी नहीं करना है, मैं ये भी बिल्कुल, वो इसलिए भी कि आज देखिए आप दूसरा मुद्दा जो आपका आगे और चर्चा करेंगे कि ऐसे कितने सरेंडर कार्डर्स हैं जो हमारे साथ हैं, और कई हमको मालूम है कि उन्होंने हमको अटैक किया हुआ है, लेकिन वो फिर भी हैं, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बोला कि हमने हेलीकॉप्टर पर उनकी डीब्रीफिंग हुई है, उनके साथ बातचीत से आपकी एक समझ है पुलिस की जो जनता के बीच नहीं है, तो वो जो इसीलिए मुझे लगता है वो एक बड़ी कमेटी ऐसा रहे जो पूरा व्यापक हो, कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का। एक चीज में दो चीजें समझना चीजें तो दो तीन दर्जन समझना चाहता हूं, लेकिन अभी इस मूवमेंट में दो चीजें समझना चाहता हूं। नक्सल वायलेंस करीब आधा दर्जन स्टेट्स में कम या ज्यादा अलग अलग है, छत्तीसगढ़ शायद सबसे ज्यादा अफेक्टेड, गढ़चिरौली महाराष्ट्र का और छत्तीसगढ़ लगा हुआ इलाका, ये शायद सबसे ज्यादा नक्सल वायलेंस देख रहा है अभी। अब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जब 5-6 राज्यों में नक्सल हिंसा फैली हुई है, क्या किसी एक राज्य का गृह मंत्री, किसी एक राज्य की सरकार उस राज्य के नक्सलियों से जो बातचीत करेगी, क्या ये असरदार होगी बाकी सारे राज्यों के लिए? क्या इसमें केंद्र सरकार अनिवार्य रूप से हिस्सेदार नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इतने राज्यों को एक साथ जोड़ने का काम तो केंद्र कर सकती है, और केंद्र की बहुत सारी फोर्स हर नक्सल इलाके में तैनात है, और राज्य जो हैं कई मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा में, आतंक में, इसमें केंद्र के साथ में काम करते हैं, उसमें कोई डिस्प्यूट भी बहुत बड़ा नहीं रहता। आपको क्या लगता है कि ये पहल जो है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री की या सरकार की यहाँ के,
क्या ये थोड़ा ओवर स्टेपिंग है, क्या ये अपने अधिकार क्षेत्र से थोड़ा बाहर जाकर है, क्या इसमें केंद्र को हिस्सेदार नहीं बनाना चाहिए था, क्या इसमें दूसरे राज्यों को नहीं जोड़ना चाहिए था, या ये सही शुरुआत है, क्या लगता है आपको? मुझे जो पुरानी वार्ता की उसकी अचानक एक बात याद आई, ये मुद्दा जब आंध्र प्रदेश की बात हुई थी, वो भी स्टेट गवर्नमेंट थी, उन्होंने शुरुआत की थी, क्योंकि जो बड़े कार्डर है वो ज्यादा आंध्र प्रदेश के थे, तो वो बातचीत शुरू हुई थी। आज भी यहाँ पे वही के बड़े नेता, आज भी बड़े नेता वही के हैं, लेकिन उस समय भी केंद्र सरकार जो साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं था, उनके इनपुट्स उस समय भी थे साथ में, तो वो चाहे वार्ता में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किए, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट जहां तक मेरी नॉलेज में है, मैंने पढ़ा है, और उनका इन्वॉल्वमेंट उस समय भी था सरकार का। तो जैसा आपने कहा, अच्छी बात है, स्टेट का इनिशिएटिव है, लेकिन सेंटर अगर सपोर्ट करती है, जो करेगी मुझे लगता है, और अगर उनका भी साथ रहता है, तो उसका असर भी व्यापक पड़ेगा। तो वो मुझे लगता है नहीं भी होंगे तो भी उनकी हिस्सेदारी कहीं ना कहीं। अभी क्या लगता है, मैं आपको एक अंदाज और अटकल आपकी जानना चाहता हूँ, जो छत्तीसगढ़ ने जो प्रस्ताव रखा है नक्सलियों के सामने, आपको क्या लगता है इसके लिए केंद्र सरकार से इन्होंने मंजूरी ली होगी, क्योंकि एक ही पार्टी की सरकारें दोनों जगह हैं? देखिए, मुझे पॉलिटिकल बात तो नहीं मालूम, पर मुझे लगता है जैसा जैसा बोला जा रहा है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली इसके अंदर केंद्र सरकार की बिना संज्ञान में ये बात नहीं, यानी अनुमति नहीं भी होगी तो सहमति होगी, मतलब ये बिल्कुल कहीं ना कहीं कंसेंट तो मुझे लगता है इसके ऐसा जी, उसके ऐसा। बिना राज्य इतना बड़ा इनिशिएटिव नहीं किया रहता, ऐसा डिपेंड करता है, पर मुझे लगता है कि इसके अंदर रहा होगा। अब मैं एक बात समझना चाहता हूँ, जो मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री ने भी इस बारे में बार बार कहा कि हम बात करना चाहते हैं, वार्ता करना चाहते हैं, और गृह मंत्री ने भी कहा, दोनों ने अलग अलग मौकों पर कहा कि मुठभेड़ हमको मालूम है कि हल नहीं है, हमको भी खून फैलाना अच्छा नहीं लगता है, खून खराबा अच्छा नहीं लगता है, हम चाहते हैं बात करें, वो लोग आकर बात करें। गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के जितना उदार होकर बोल रहे हैं, और मेरे पास कोई वजह नहीं है कि उनके शब्दों पे मैं शक करूं, उनके मन में क्या है उसको वही जानते हैं, लेकिन मैं शब्दों पे भी शक नहीं कर रहा, मैं मानता हूं कि वो सचमुच ही बात करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है अगला कदम क्या होना चाहिए बातचीत के लिए? मुझे लगता है वो इंतजार कर रहे हैं कि माउस की तरफ से कोई असरदार कोई जवाब आए, जिसमें लगे कि वो भी जो बात को गंभीरता से ले रहे हैं, और वो अपनी जो भी बात कहना चाहते हैं वो एक कम से कम एक कदम आगे रखेंगे, तब तो नेक्स्ट रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर देयर रिस्पॉन्स। अब एक बात मुझको बताइए, जब कभी दो तबकों में इतना बड़ा फासला रहता है कि आज मेरी चली तो मैंने तुम्हारे 76 लोगों को मार दिया, कल तुम्हारी चली तो तुमने 29 लोग मेरे मार दिए, जब इतना बड़ा फासला है दो तबकों के बीच, सरकार और नक्सलियों के बीच, क्या इसमें कोई तीसरा तबका ऐसा हो सकता है जो इसमें इनिशिएट करे, दोनों पक्षों से बात करे, एक बातचीत की जमीन तैयार करे, कोई ऐसा हो सकता है? मैं एक मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि आपके जैसे कोई रिटायर्ड अफसर, मेरे जैसे कोई पत्रकार, कहीं के कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कहीं के भी कोई, हमने देखा हुआ है जो पिछली कमेटी बनी थी एलेक्स पाल मेनन के रिहाई के लिए, उसमें छत्तीसगढ़ की तरफ से सुनील कुमार उसमें एक अफसर थे, निर्मला बुच जो कि छत्तीसगढ़ की नहीं थी वो उसमें मेंबर थी, उसमें प्रोफेसर हरगोपाल और शायद एक हाथ कोई ऐसे थे जिनको कई लोग अर्बन नक्सल मान लेते हैं या नक्सलियों के हिमायती मान लेते हैं, वो लोग भी उसमें थे। क्या लगता है आपको, ऐसे कुछ लोग देश में बचे हैं नहीं बचे हैं जो दोनों तरफ से बात करके दोनों को साथ में बैठाने की कोशिश करें, क्योंकि एक्चुअली इन दोनों के टकराव इतने बड़े हैं, इन दोनों के जख्म इतने हैं, गृह मंत्री जब बोलते हैं तो उनके दिमाग में भी पुलिस और सुरक्षा बलों की लाशें हैं, नक्सली जब बात करेंगे तो उनके दिमाग में भी अपने साथियों की लाशें हैं, तो कोई तो ऐसा हो सकता है कि नहीं कि जो इन दोनों को तैयार करे धीरे धीरे? देखिए, दोनों बातें थोड़ी सी अलग होगी। जो आपने एलेक्स पॉल का जो उदाहरण दिया, उस समय ये नक्सल की ये स्ट्रेटजी है कि अगर आपने किसी सीनियर ऑफिशियल को किडनैप किया है तो सरकार उसको जाने नहीं देगी, वो गंभीरता से लेगी, तो इसीलिए वो निगोशिएट करेंगे, आएंगे और तो कुछ बार्गेनिंग में कुछ हासिल करेंगे, ये उनका सिद्धांत है। और जब देर लगी थी तो उन्होंने ये भी बात उसके बाद ये भी रिलीज किया था कागज से
कि बहुत दिनों तक भी हमको वेट नहीं करना चाहिए, हाँ। नहीं होता तो हमको मार देना चाहिए, हाँ। ऐसी बात भी हाँ। उन्होंने हाँ। नक्सलियों ने कही थी, तो वो किडनैपिंग थी जिसके बदले वो निगोशिएट मान लिया। मैं तो केवल अभी मैं तो कमेटी में जिन लोगों को रखा गया था मुझे ऐसे लोगों की संभावना देख रहा हूँ। जी जी, मुझे लगता है कि यस ये कदम अगर बातचीत के लिए तैयार भी हो, जैसा उनका जवाब भी आता है, तो भी मुझे लगता है कोई ना कोई कमेटी बीच की जो वर्कआउट करेगी चीजों को, कोई ना कोई बनानी पड़ेगी, ऐसा ऐसा मुझे लगता है। कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ कि समाज के किसी भी तबके के कोई ऐसे लोग हो सकते हैं क्या जो गृह मंत्री की कही हुई बात को आगे बढ़ा सकें, जो कह सकें नक्सलियों को कह सकें कि भाई सरकार अगर ये पहल कर रही है तुम लोग खून खराबा बंद करो और तुम बातचीत के लिए सामने आओ, क्या नक्सलियों के ऊपर कुछ लोग ऐसा दबाव बना सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कौन लोग हो सकते हैं ऐसे? मुझे लगता है इसमें मीडिया मीडिया क्योंकि उनसे बातचीत कहीं ना कहीं अपने कुछ इनपुट्स लेने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए कहीं ना कहीं संपर्क में रहते हैं लोग, तो मीडिया एक इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो शुरुआत में मीडिया और ऐसे कुछ ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, जैसे पहले भी उदाहरण दिया कि जो जो थोड़ा सा दोनों पीस लविंग टाइप के हो या पीस निगोशिएट करने में बिलीव करते जिनके हो, नाम से नक्सलियों को एलर्जी भी ना हो, ना हो उनको लगे कि चलो इज अ जेन्युइन पर्सन, हाँ नाम सुने जी हाँ तो कहा कि किस जल्लाद का नाम ले लिया है, इसलिए तो हमारे 276 लोग मारे हैं अभी तक ऐसा, तो इस टाइप का मुझे लगता है कुछ ना कुछ निकाले जा सकते हैं ना, बिल्कुल अगर प्रयास करेंगे तो ऐसे नाम सामने। तो आप तो किताब लिख रहे हैं इसके ऊपर नक्सल मोर्चे पे विज साहब, आपको तो ऐसे नाम जो है सूझने चाहिए। आप पुलिस में रहे हैं, आप सरकार में रहे हैं, रिटायर होने के बाद यहाँ रहे हैं और अब किताब लिख रहे हैं, तो आपके ध्यान में तो ऐसे नाम रहने चाहिए। कौन कौन से ऐसे नाम? मुझको लग रहा था आप 8-10 नाम गिनाएंगे। नहीं, मेरा अभी जो पर्पस है जो मैं लिख रहा हूँ वो थोड़ा सा हटकर है इससे, तो इसकी बात हम पृथक से करेंगे मुझे लगता है ऐसा। अच्छा, अब एक चीज़ मुझको बतलाइए, नक्सलियों से बातचीत की जब भी बात होती है, हमारे यानी मेरे करीबी दोस्त और आपके सीनियर कुलीग रहे हुए विश्व रंजन, जिन्होंने नक्सल मोर्चे पे बहुत स्टडी की हुई है, छत्तीसगढ़ के DGP रहे हुए हैं, तो उनसे मेरी बात होती थी, वो भी मुझको ये बात कहते थे, शायद आपने भी कही हो, कई अफसरों ने कही हो कि नक्सली जब दबाव में रहते हैं तभी वो बातचीत के लिए तैयार होते हैं, जब जब घिर जाते हैं, जब बैकफुट पे रहते हैं, तभी वो बातचीत के लिए तैयार होते हैं। मुझको लग रहा है पिछले 4 महीने में नक्सली जितने बैकफुट पे हैं बीजेपी की सरकार यहाँ आने के बाद, जितने उनके काडर के लोग मारे गए हैं मुठभेड़ में, हो सकता है उसमें 4 लोग 6 लोग ऐसे भी हों जिनके बारे में शक है कि वो नक्सली नहीं थे, गाँव के थे, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि 100 से ज़्यादा लोग अगर मारे गए हैं उसमें कुल 4 लोगों के बारे में शक है, तो ये आंकड़ा छोटा है। पहले ये आंकड़ा बड़ा रहता था, अनुपात बड़ा रहता था बेकसूर लोग होने का। आपको क्या लगता है कि आज की तारीख में छत्तीसगढ़ के नक्सल मोर्चे पे नक्सली सचमुच इतने बैकफुट पे हैं कि वो बातचीत के लिए आने के लिए तैयार हो जाएंगे? देखिए, वैसे तो मेरा मानना है कि 4 महीने का पीरियड अभी बहुत लंबा नहीं है, नहीं इसके है। हम बड़े हम नतीजे निकाले बिल्कुल, लेकिन अगर ये हमारा अग्रेसिव पोस्चर कंटिन्यू रहता है, हाँ, तो मुझे लगता है वो समय आ सकता है। हाँ, अगर पुलिस का मूवमेंट अभी जैसा आगे बढ़ने का चल रहा है, हमारा एग्रेसिव पोस्चर जो बोलते हैं, इस भाषा का मतलब ये है कि आप अभी तक पुलिस की तरह बोल रहे हैं। मुझको आपने पुलिस अधिकारी के रूप में बुलाया है, तो मैं पूर्व पुलिस अधिकारी की तरह से बोल रहा हूँ। आपने बोला पूर्व पुलिस महानिदेशक, तो मैं उसी की बात अभी करूँगा। हाँ। हमारी मतलब पुलिस तो अब क्या है, वो जैसे बोला ना कि वो ब्रेड एंड बटर हमारा रहा है। हाँ। अभी भी पेंशन वहीं से आती है, तो वो कहीं ना कहीं यानी अभी कट जाए सोल, तो अभी कट जाए तो लाल की जगह खाकी लहू निकलेगा ऐसे। हाँ, ना कटे जी हाँ, तो वो अभी सोल तो वहीं रहनी है। इसमें मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी बातों को सही संदर्भ में लोग देखें, सही संदर्भ में समझें कि ये बात निकल कहाँ से रही है। ये बात अभी भी उस वर्दी के भीतर से निकल रही है जो अभी भी समारोह में पहनते होंगे आप या पहनेंगे। नहीं, समारोह वगैरह में रिटायर्ड अफसर भी पहनते हैं कभी कभी सेरेमोनी। नहीं, वो पुलिस में नहीं है, पुलिस में हम लोग। अच्छा, चलिए। हाँ, तो
बातचीत का हम देख रहे थे कि आज बातचीत का माहौल, नक्सली का जितना नुकसान हुआ है पिछले 4-5 महीने में, मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस का अभी जो आगे बढ़ना है, डोमिनेंस है, जो आगे थोड़ा सा है ऑपरेशंस लगातार करना, तो जो अग्रेसिव पोस्चर फोर्सेस का है अभी ऐसा कर लीजिए, और आगे बढ़कर थोड़ा सा इलाका भी सीमित किया उनका, तो ये होगा तो नेचुरली जो उनके सीनियर कैडर्स है वो जिस इलाके में शेल्टर लेते हैं, अबूझमाड़ जैसे एक बड़ा इलाका है, अबूझमाड़ में उनके सीनियर कैडर जनरली 4-5 जरूर रहते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं दूसरा इलाका जो है वो ढूंढना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और वो ढूंढ भी रहे हैं। गढ़चिरौली में भी महाराष्ट्र पुलिस काफी मार रही है। देखिए गढ़चिरौली जिला अलग हो सकता है लेकिन वो दंड करने का हिस्सा में मार, जंगल एक ही है, दंड करने का उनकी जो कमेटी है वो वही उसमें दंड करने, उसमें गढ़चिरौली भी इट इज पार्ट ऑफ दैट, तो उसको मैं एक मानता हूँ। मैं दूसरा मानता हूँ जो अमर का इधर का इलाका जो कबीरधाम बालाघाट राजनगर नॉर्थ, यहाँ जो एक नया जोन बनाने का इनका जो बनाया है इन्होंने, ये वहाँ भी जमीन तलाश रहे हैं कि क्या वहाँ पुलिस नया आईजी रेंज बनाती है, ऐसा ये भी अलग अलग जोन अपना बनाते रहते हैं, ये अपना जोन अपनी एक्सपेंशन को, इनके प्लान थोड़े से और बड़े हैं, ये चाहते हैं कि इधर वेस्टर्न एरिया को हम उड़ीसा झारखंड के इलाके से मिलाएं। तो इसीलिए कॉरिडोर पूरा बन, कॉरिडोर ये अमरकंटक तक इन्होंने सर्वे किया है अपना, तो हमको उसकी पैरेलल थोड़ी चिंता करनी पड़ेगी। हालांकि वहाँ काडर अभी बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि लोग भर्ती में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं वहाँ पर, तो ये अच्छी बात है पुलिस के लिए। तो मुझे लगता है सीनियर कैडर्स जब एकदम एरिया में घिरने की स्थिति में आएंगे, जब हमारा मूवमेंट लगातार होगा और हम आगे बढ़ते भी रहेंगे। अभी वो स्थिति है क्या, घिर गए हैं क्या इनके सीनियर कैडर्स? घिर गए मैं नहीं कहूंगा लेकिन वो चिंतित तो डेफिनेटली है, ऐसा कि वो घिर की आगे पुलिस बढ़ रही है, वो गट्टाकाल और ऐसे इलाके जहाँ ऑपरेशन पहले कम होते थे, अब क्योंकि हमारे फॉरवर्ड बेसिस आगे बढ़ गए हैं तो हमारा जो मूवमेंट का एरिया है, जो पहले 25-30 किलोमीटर चलना पड़ता था, आज 5-7 किलोमीटर 10-15 किलोमीटर ऑपरेशन करके अगर आपको कम डिस्टेंस चल के वापिस आते हैं तो आपकी वल्नरेबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि आप घिर नहीं पाते हैं। मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, 22-23 साल 24 साल हो रहे हैं छत्तीसगढ़ को बने हुए, इस पूरे दौर में क्या आज बस्तर में नक्सली जो हैं ये सबसे कमजोर हैं? कह सकते हैं। आपने 2000 मैं थोड़ा उनको आगे से लूंगा, हो सकता है कि मैं आपकी हैसियत को ऑफेंड कर रहा हूं क्योंकि आप भी इस मोर्चे पे लीड करते थे पुलिस नहीं, को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको बकायदा प्रोफेशनली ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करता हूं जब भी ऐसी चीज होती है। देखिए सबको मालूम है 2000 से लेकर 2005 तक माओस्ट वीक थे, अगर आप वैसे बात करते हैं तो वो उस पीरियड में बहुत कमजोर थे, ठीक है। जब सलवा जडूम आया और उस समय जब थोड़ा सा सोसाइटी डिवाइड हुई कि कौन उनके साथ है कौन इधर साथ, तो जो और कोरापुट में अटैक किया, काफी राइफलें उन्होंने किया, मिलिटराइजेशन बेसिकली 2005 के बाद ज्यादा हुआ, 2004 में तो उनका पहला ही मिलिट्री कंपनी बनी थी, तो 2005 से लेकर 2010 तक जो है मिलिटराइजेशन उनका बढ़ा, राइट। और स्टेट गवर्नमेंट को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करने में, कैपेसिटी बिल्डिंग में समय लगता है, टाइम लगा लगता है। आपको फोर्सेस, आपको मालूम होगा छत्तीसगढ़ बना था तो 23,000 हम टोटल नहीं थे और भी कम, केंद्र सरकार से पैरामिलिट्री मिलने में धीरे धीरे उनके मिलने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, बिल्कुल पुलिस फोर्स को भर्ती करने में, अपना उनको ट्रेनिंग दे के तैयार करने में, तो ये तो उसका टाइम पीरियड इतना लगता है। तो जितना टाइम हमको लगा आगे उसके अंदर कर ना, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आपको मालूम है एक भी हेलीकॉप्टर नहीं हुआ करता था पहले, बिल्कुल सब कुछ बाद में आई है, पैरामीटर सिक्योरिटी नहीं होते थे, थाना चौकी पे अटैक हो जाते थे, वो इसलिए होते थे कि मोर्चा नहीं थे और पैरामीटर में कंसर्टिना वायर नहीं थे, वो जो 2-3 लेयर हम बनाते हैं सिक्योरिटी के वो नहीं थी पहले, तो इसमें समय लगा। तो ये लगातार जो बढ़ी है मजबूती पुलिस की और सिक्योरिटी फोर्सेस, ये उसका रिजल्ट है जी हाँ, डेफिनेटली। यानी इतने सालों में जो पेड़ लगा के उसको पानी दिया गया है, ये उसका फल अभी मिल रहा है। और ग्रेजुअली क्या है, ग्रेजुअली आपकी थोड़ी सी काम करने की जो परिपक्वता होती है, छत्तीसगढ़ में जब हम शुरू में आए थे तो यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस नहीं था कि कैडर्स कौन कौन से हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस हमको हेल्प करती थी, हमने इनिशियली इन्फॉर्मेशन वहाँ से ली, लेकिन ग्रेजुअली हमने डेवलप किया। आज हमारे पास पूरे उनके पूरी जानकारी है हमारे पास, उनके कैडर कहाँ घूमते हैं, कितने घूमते हैं, क्या मिलिट्री ऑपरेशन है, कैसे हैं, तो आज उनके अंदर आज उनकी विलेज ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम करती हैं, उनका नेटवर्क है तो उसको हमको कैसे तोड़ना है। कम से कम इतने सालों में ये परिपक्वता तो आई है। आज की जो हालत है पुलिस की और नक्सली की, पुलिस में मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को जोड़कर चल रहा हूँ, जो भी और टोटल सिक्योरिटी फोर्सेस मान के चल, तो मैं एक ये समझना चाह रहा हूँ कि पिछले 4 महीने में
मुठभेड़ में जितना नुकसान नक्सलियों का हुआ है और बड़ी बड़ी मुठभेड़ में उन्होंने मान लिया कि 29 लोग मारे गए, पूरे 29 हमारे थे, उन्होंने मान लिया जी। कुल 4 लोगों को उन्होंने डिस्प्यूट किया है कि ये नक्सली नहीं है, लेकिन बाकी तमाम लोगों को उन्होंने मान लिया है कि वो नक्सली हैं। तो उनको हम विवादहीन तरीके से मान लेते हैं कि ये नक्सली मारे गए हैं। उनके मुकाबले पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का जो नुकसान है वो मुझको इन कुछ महीनों में मिनिमम दिख रहा है, सबसे कम दिख रहा है। ऐसा है जी? बिल्कुल है, ऐसा है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये सुरक्षा बल जो हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस और बाकी सुरक्षा बल, इनकी बेहतर तैयारी, बेहतर इनकी स्थिति आज की जो इतने वर्षों में बनी है लगातार, उसकी वजह से ऐसा और, हुआ और, है? और बेहतर इंटेलिजेंस कलेक्शन, बेहतर इंटेलिजेंस कलेक्शन। आप देखिए एक चीज इसमें जो महत्वपूर्ण है, ह्यूमन इंट के साथ जो टेक्निकल इंट है, हाँ, दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा बेहतर रिजल्ट देता है। यानी ड्रोन कुछ साल पहले तक नहीं थे जी, हाँ, तो क्या पहले ह्यूमन इंट आपको इन्फॉर्मेशन मिली, जब तक आपके पास पहुंचती है लोकेशन चेंज हो जाती है, तो एक्शनेबल इंटेलिजेंस अभी रियल टाइम इंटेलिजेंस हासिल, काफी इंप्रूवमेंट। तो कुल मिलाकर बस्तर के नक्सल मोर्चे पर नक्सली पहले के मुकाबले अभी कमज़ोर हैं, और उनके ऊपर दबाव डालकर अगर सुरक्षा बलों का ये अभियान ऐसे ही जारी रहता है तो शायद वो बातचीत की टेबल के करीब भी उनको धकेलेगा। मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ कि ये केवल ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी फोर्सेस, हम बोल रहे हैं, स्टेट बोल रहा है जैसा आपने कहा, कमज़ोर हैं, ये उनकी रिपोर्ट्स अगर आप देखेंगे पिछली 8-10 साल की, तो उनकी रिपोर्ट्स भी नहीं, मैं तो बिना पुलिस के भी जो आंकड़े मैं देख रहा हूं, जी हाँ, आंकड़े बोलते हैं उससे और नक्सलियों की जो रिपोर्ट बोलती है उसमें बड़ी बात स्पष्ट है कि उनके नॉर्थ सब ब्यूरो में, वेस्ट में उनकी भर्तियां नहीं हो रही है, तो जो कुछ अगर भर्ती हो रही है तो केवल सदर्न पार्ट से है। मैं कॉन्फ्लिक्ट जोन नक्सल मोर्चे से पुलिस की जानकारी पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ जो 10 लोग मारे गए जिसमें से 4 बेकसूर आदिवासी ग्रामीण हैं, उनको भी पुलिस ने नक्सली बता दिया है, जिनके पूरे परिवार, जिनको 10-10, 20-20 अलग अलग वीडियो कैमरों पे उन्होंने कहा है। जो 29 लोग मारे गए उनमें किसी ने नहीं कहा कि हमारे घर वाले थे, नक्सली नहीं थे। तो मैं मानता हूं कि अभी जिन 4 लोगों के बारे में कहा जा रहा है और हर एक को कहा है उन्होंने, हर कोई कह रहा है, तो मैं कॉन्फ्लिक्ट जोन से पुलिस की जानकारी पे बहुत ज़्यादा मैं भरोसा नहीं करता। मैं देख लेता हूं कि अगर कोई डिस्प्यूट कर रहे हैं गांव वाले या नक्सली डिस्प्यूट कर रहे हैं तो मैं उसका भी नोटिस ले लेता हूँ। लेकिन कुल मिला के हम बातचीत पर लौटे, आपको क्या लगता है बातचीत की गुंजाइश अभी सच में दिख रही है आपको, पहले से ज़्यादा दिख रही है? मुझे लगता है वो समय आएगा, मुझे लगता है रिस्पॉन्स आएगा, आएगा रिस्पॉन्स आएगा, या अगर वो खुद रिस्पॉन्ड नहीं भी करेंगे अभी तो नहीं आएगा तो थोड़े दिनों बाद देश में कोई ना कोई ऐसे लोग निकल के आएंगे, आ सकते हैं, जैसे आप किताब, मुझे लगता है उनका रिस्पॉन्स भी कुछ समय, अभी नहीं तो और कुछ समय बाद आने की संभावना, जैसे आप किताब लिखने के लिए कई बार जा रहे हैं बस्तर के नक्सल मोर्चे पर, कवर्धा गढ़चिरौली के नक्सल मोर्चे पर आप जा रहे हैं, गढ़चिरौली पुलिस आपको कुछ ऐसा एक मोमेंटो गिफ्ट कर रही है, फोटो मैंने देखी थी आपके फेसबुक पे, तो हो सकता है नक्सलियों को ये भी लगे कि आपके थ्रू भी बात की जा सकती है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव मालूम है ये आपका अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है आपके सामने कि आप इस कमेटी में रहना चाहेंगे क्या, आप इस कमेटी में रहेंगे क्या, उनसे बातचीत में मान लीजिए आता है, अभी ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अपन जब आगे थोड़ा बढ़ेगा तब बात करेंगे ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो पीस लिविंग व्यक्ति हैं, हाँ, और ऐसी कोई अच्छा, बात होगी तो उसको हम पॉजिटिवली विचार करेंगे। गांधी के नाम को आप इतना भुनाते हैं, तो मैंने बोला पॉजिटिवली बात करेंगे, रिसर्च कर रहे हैं, सजा के रखते हैं गांधी की मूर्ति चरखा, तो बिना जिम्मेदारी के कोई थोड़ी गांधीवादी, मैं तो बोल रहा हूँ पीस लिविंग लोग हैं। चलिए अब मैं दूसरे एक पहलू पे आता हूँ आज का दूसरा सवाल, कुल 2 ही सवाल है मेरे पास, एक ही बातचीत का हो गया, दूसरा सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने पिछले 2 दिनों में जो एक पुनर्वास योजना नक्सलियों के लिए घोषित की है कि नक्सली पुनर्वास हम करना चाहते हैं प्रदेश में, जिस शहर में वो चाहेंगे वहाँ हम उनको मकान देंगे, वो खुद होकर बतला दें हमको कि वो कैसा पुनर्वास चाहते हैं, किन शर्तों पे चाहते हैं, क्या चीज़ें चाहते हैं, सुझाव मांगे हैं उन्होंने, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनकी फरमाइश विविध भारती के गाने की तरह बजा दी जाएगी, लेकिन ये भी पहला मौका है जो किसी ने नक्सलियों से कहा है कि हथियार डालने के लिए तुमको क्या चाहिए बताओ, इसके पहले का तो आपको ऐसा पुनर्वास का प्रस्ताव याद नहीं पड़ रहा है, कोई खुला प्रस्ताव, सार्वजनिक प्रस्ताव,
पहले ही है ये अपने केस में? हाँ, मुझे लगता है ऐसे इन्विटेशन तो शायद पहली बार नया इनिशिएटिव है ये। अब मुझको बतलाइए, दो तीन मुद्दे इसमें हैं कि नक्सली जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में काम कर रहे बड़े नेता हैं, वो कल के आंध्र प्रदेश और आज के तेलंगाना वहाँ के हैं, वो लोग यहाँ पे, उनके ऊपर जुर्म वगैरह वहाँ पे ज़्यादा दर्ज होंगे, इनाम वहाँ पे ज़्यादा दर्ज होगा, छत्तीसगढ़ में शायद कम होगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गढ़चिरौली में मारे गए थे नक्सली, उसमें से कई लोग बस्तर के थे। तो दोनों तीनों राज्य में अगर किसी के ऊपर इनाम एक राज्य में है, दूसरे राज्य में सरेंडर कर देते हैं, तो राज्यों की अलग अलग पुनर्वास या सरेंडर पॉलिसी है, क्या होना चाहिए? जैसे आपको ही मैं भेज रहा हूँ, मान लीजिए विजय शर्मा का QR कोड मैं आपको भेज रहा हूँ, ईमेल एड्रेस आपको भेज रहा हूँ, कि 100 शब्दों में या 2 मिनट आप बोलिए इसके ऊपर, कैसा पुनर्वास होना चाहिए नक्सलियों का? आपने एक पहले आंध्र प्रदेश के काडर और इनकी बात की, मैं एक चीज़ इसमें बताता हूँ, कई बार लोगों ने, आम जन ने आरोप भी लगाया है कि बड़े काडर तो आंध्र प्रदेश में सरेंडर होते हैं, आपके यहाँ नहीं होते हैं। देखिए, आदमी रिहेबिलिटेशन का मतलब है आदमी जहाँ का रहने वाला है वो उसी इन्वायरमेंट में जाके रहना पसंद करता है। अपन केवल आदमी के सरेंडर का बात कर रहे हैं कि नक्सल महिला को सरेंडर में जोड़ेंगे? मैं बताता हूँ, दोनों चीजें मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी तो नक्सल काडर की बात कर रहा हूँ। आप आदमी बोले इसलिए मैं उसको नहीं, नक्सल काडर की बात, यानी आदमी आदमी औरत दोनों पति पत्नी करते हैं, ऐसा नहीं है पति पत्नी ने किया है। तो मेरा मतलब था कि सामान्यतः जहाँ व्यक्ति जहाँ का रहने वाला है वो वहीं जाके सरेंडर करता है, इसीलिए अगर गुड़सा उसेंडी ने जाकर सरेंडर किया वहाँ पर आंध्र प्रदेश में किया, तो इसमें कोई बौखलाने वाली बात नहीं है। नहीं, क्यों उसको वहीं रहना है, चाहे वो करीमनगर हो, चाहे वारंगल हो, चाहे आदिलाबाद हो, उसको वहां रहना है। नहीं, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का पैसा बचेगा और एक मकान बचेगा किसी दूसरे गरीब को। चलो, वो इतना मटेरियल नहीं है, लेकिन आदमी रहना कहाँ चाहता है? जिस इलाके में वो पढ़ा भरा है, जहाँ उसको लगता है कि घर उसका वहां पर है, तो वो वहां करें, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तेलुगु बोलने वाले नहीं मिलेंगे जहां रहेंगे, वहां उनको मिलेंगे अपने लोग। तो जैसे यहां के काडर हैं, अगर हिडमा का नाम बहुत आजकल चलता है, तो और भी कई DKZC मेंबर हैं जो छत्तीसगढ़ के हैं अभी आजकल तारीख पे, तो वो अगर हिडमा अगर रहने वाला पोवर्ती का है, सुकुमा का है, तो वो आंध्र प्रदेश में जाके सरेंडर नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना है। वो रहना भी अपने इलाके में पसंद करेगा, चाहे सुकमा हेडक्वार्टर चला जाए, चाहे वो चाहे अपने गांव में रहना चाहे, वो उसकी चॉइस है। बिल्कुल, तो सरेंडर आदमी वहीं करता है जहां का वो मोर ऑर लेस, कई बार शादी में आदमी एक जगह सेलेक्ट करता है, ठीक है, यानी इतना, कोई दूसरे प्रदेश में सरेंडर करे वो बड़ा मुद्दा, उसमें बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन क्या क्या इसके पीछे एक ये मोटिवेशन हो सकता है कि जिस राज्य की पुनर्वास नीति में उसको अपना फायदा ज्यादा दिखे, क्योंकि अब तो संघर्ष की जिंदगी, बंदूक की जिंदगी छोड़ के बसने जा रहे हैं, तो क्या जहाँ पे ज़्यादा फायदा दिखेगा, यहाँ पे LIG मिलेगा, आंध्र में मान लीजिए HIG मिलेगा? देखिए, एक समय था शुरू में जब स्टेट्स की सबकी पॉलिसी नहीं थी, केंद्र की भी हमारे सामने ही आई है उनकी पॉलिसी कि कैसे उनको रिहैबिलिटेट करना है, उनमें जो राशि दी जाती है वो आदमी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम देखते थे कि किसकी पॉलिसी अच्छी है, आंध्र प्रदेश की अच्छी मानी जाती थी, वो पैसा ज़्यादा देते थे, हमने डिसीजन लिया कि पैसा उससे भी बढ़ा देंगे। अच्छा, तो जो उनके अगर 60 लाख था उनके CC मेंबर को, तो हमारे यहाँ बकायदा जो जनरल सेक्रेटरी है उसका 1 करोड़ भी राशि है। ये धान के समर्थन मूल्य जैसे हो गया कि छत्तीसगढ़ में इतना बढ़ा दो कि उड़ीसा का, महाराष्ट्र का और मध्य प्रदेश का धान यहाँ बिकने लगे। मतलब केवल फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर अगर है, उनको लगता है, तो अपने कम ना रहे, उसको भी बढ़ा। अगर एक कारण, कभी कभी लोग बोलते हैं पैसा कम है इसलिए वहां जा रहे हैं, तो जस्ट उसको बात को अलग काटने के लिए, तो राशि जो छत्तीसगढ़ में है वो कम नहीं है। ठीक, जो आर्म्स के साथ सरेंडर करता है वो राशि भी दूसरे स्टेट्स की तुलना में छत्तीसगढ़ में ज्यादा है, वेपन के क्वालिटी ग्रेड के हिसाब से। जी हाँ, 4.5 लाख तक है उनका अलग, उसका 47 का ज्यादा है। जी हाँ। कारतूस तक का एक एक चीज का है। तो उसके बाद केंद्र की भी नीति आई, केंद्र ने बोला कि छोटा काट रहा है तो 2.5 लाख, बड़ा है तो 5 लाख ही हम 3 साल के लिए बैंक में डिपॉजिट करेंगे, 3 साल के बाद आप इसका पैसा निकाल सकते हैं। ठीक, और हम लोग जो राशि देते हैं तत्काल देते हैं ताकि इमीडिएटली फायदा हो जाए, फायदा, यानी क्योंकि उनको कुछ ना कुछ शुरू में चाहिए, कुछ कोई नौकरी तो देंगे नहीं उनको। फिर जब तक उनको कैंप में रखते हैं, 6,000 शुरू में मैंने देखा, 3,000 था, फिर 6 हुआ, अभी शायद राशि अब और बढ़ गई है। अच्छा, कि टेम्परेरी कुछ समय तक केंद्र सरकार इसमें सहायता करते हैं कि उसके जीने वीने का जो खर्चा है वो भी उसका निकल जाए। हाँ। क्योंकि जब आदमी सरेंडर किया तो इमीडिएटली पॉलिसी के डिसीजन में टाइम लगता है, तो तब तक भी पैसा देने का प्रावधान उसके अंदर है। तो जहां तक पैसे की बात है, वो मुझे लगता नहीं कि कम है।
दो तीन चीजें मैंने देखी थी। मैं अभी कुछ दिन पहले गढ़चिरौली, जैसे आपने मेंशन किया, मैं वहां पर था, मैं वहां के काडर से जब बात कर रहा था तो वो थोड़े परेशान थे एकदम। काडर यानी नक्सल काडर की पुलिस? नक्सल काडर। अच्छा, तो जब उनसे बात कर रहा था उनका कहना था कि गिफ्ट पुलिस से ले रहे हो, बात नक्सलियों से कर रहे हो। तो वो जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने अपनी दो व्यथाएं अपनी रखी। एक व्यथा उनकी ये थी कि उनको जो पैसा मिला उनको कि जो मकान बनाया उन्होंने उनका आप पैसा सरेंडर किए हुए काडर का बोल रहे हो? सरेंडर की बात कर रहा हूं। मुझको लगा उन्हीं की रिहैबिलिटेशन की बात कर रहे हैं। मुझको लगा कि एक्टिव से बात कर रहे थे, सरेंडर की पॉलिसी की बात कर रहे हैं। हाँ। तो इसीलिए सरेंडर की बात कर रहा हूं। तो उनका कहना था कि जो उनको पैसा मिला वो उनके घर बनाने में खर्च हो गया, घर उनका कंप्लीट नहीं हुआ, तो एक्चुअली वो डिस्ट्रेस में थे कि हमारा को थोड़ा सा और मिलना चाहिए था पैसा। तो ये एक घर की, और उसके बाद वो काम क्या करेंगे, ये पूरा बड़ा मुद्दा है। मैं आपको बता देता हूँ ये सारी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी का। जो व्यक्ति छोड़कर आता है उसको एक चीज चाहिए, आप उसको घर दे देंगे वो रह लेगा। उसको चाहिए घर तो चाहिए, लेकिन कमाएगा खाएगा, लेकिन डेली के खर्चे के लिए उसको कुछ रिकरिंग एक्सपेंडिचर के लिए उसको पैसा चाहिए। तो उसको कोई ना कोई काम चाहिए। तो वो किसी ने वहां दुकान खोली, किसी ने कुछ किया, तो वो जो है उससे वो बहुत खुश नहीं थे कि उनकी आमदनी वहां पर ऐसा काम नहीं कर पा रहे हैं कि जिससे उनको रेगुलर बच्चों को पढ़ाना है, ये करना है। तो कई चीजें ऐसी हैं जो उनकी दिक्कत उसके अंदर आती है। तो मुझे लगता है उन्होंने हमारी पॉलिसी को बोला कि सर आपके यहाँ पुलिस में ले लेते हैं तो वो बेहतर है, क्योंकि वो पुलिस में जो आ जाता, हालांकि सभी नहीं लेते, सभी नहीं लेते, कुछ लिए जाते हैं, वो उसकी इच्छा के ऊपर भी है, कई चीजें और फैक्टर रहते हैं, लेकिन वो एक विकल्प हमारी पॉलिसी में जो खुला है मुझे लगता है वो बेहतर। महाराष्ट्र में नहीं है, यहाँ है। हाँ, वो यहाँ है। तो वो जो दोनों का डिफरेंस करके वो जो उनको जो नुकसान था वो उस बात पे चर्चा कर रहे थे। तो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, मेरा कहना है कि पहले भी पॉलिसी जो बनी हुई है हमने दूसरी स्टेट्स की भी देखी थी और उसको बेहतर बनाने की कोशिश की थी। बीच में अमेंडमेंट ही हुए थे, और रादर जब गांव वालों को चीज जला देते हैं तो उसका भी कॉम्पेंस, उसमें कभी कभी राशि बढ़ाने की जरूरत पड़ती है कि ट्रैक्टर जला दिया तो हमने इतने लाख दिया, जबकि ट्रैक्टर महंगा आता है। तो जो नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए थोड़ा सा ज्यादा पैसा करने की आवश्यकता महसूस की थी। एक बार बढ़ा भी था वो राशियां कई कर बढ़ाया जा सकता है उसको देखकर, पर एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जो है जो सरेंडर करता है, अगर वो अपना गाँव छोड़कर बाहर रहना चाहता है उसको एक चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं कैसे दे सकते हैं उस पर कुछ ना कुछ नई पुनर्वास नीति में उस बारे में सोचना चाहिए कि उनकी जिंदगी जो है वो चलेगी कैसे, काम क्या करेंगे। उन्होंने कोई वेल्डिंग मशीन चलाई हुई नहीं है, उन्होंने एसी सुधारा हुआ नहीं है, वो पढ़ा नहीं सकते, लेकिन कई चीजों में वो स्किल रहते हैं, तो या स्किल वो डेवलप कर भी सकते हैं, स्किल को डेवलप करें या काम, उनको कोई मौका मिले काम करने का। ये उनके रिहैबिलिटेशन में सबसे बड़ी चीज है, हर आदमी को पैसा चाहिए, रिकरिंग इनकम उनको चाहिए। आपको आप खाद्यान्न आप माफ करेंगे, आप बोलेंगे कि हम इतने आपको पैसा, ये अनाज देंगे हर महीने, वो भी देंगे, लेकिन उनको बच्चों को पढ़ाना, आप बोलेंगे बच्चे की शिक्षा माफ है, बोलेंगे नहीं हमको किताब भी चाहिए, वो भी। ये मुद्दा आया सामना कि कई चीजें मुफ्त सरकार की होने के बावजूद भी उनको पैसा चाहिए। अगर पति पत्नी को कपड़े भी खरीदने हैं, उनको कुछ और ऐसे काम है फैमिली में जो करने हैं, तो एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जो है मुझे लगता है उसका रास्ता वो कैसे खोजें, क्योंकि सब डिपार्टमेंट के लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनको कैसे रिहैबिलिटेट करना है ये भी देखना है, कि फोर्सेस के साथ किसको रखना है किसको नहीं रखना, ये भी बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क कभी कभी रहता है। लोग दूसरी जॉब में जाना चाहे तो वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होने चाहिए। मतलब ये केवल जिम्मेवारी पुलिस की नहीं होनी चाहिए कि रिहैबिलिटेट केवल हमको करना है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो बाकी के डिपार्टमेंट्स हैं सरकार के वो उतनी अच्छे से उसको एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं रहते क्योंकि उनके अपने डिपार्टमेंट्स के रहते हैं जिसमें उनको देना नहीं वो रहते हैं। दूसरा ये सरदर्द कौन पाले, कल के दिन ये कत्ल करते थे, बंदूक चलाते थे, आज इनको लेके आएंगे, अफसरों को लगता होगा कहीं मेरे ऊपर बंदूक ना उठा दे किसी दिन ये। तो ये मतलब ये सब पुलिस समझती है इस बात को कि कौन कैसा है, तो मुझे लगता है पर इस बात को एक ध्यान रखना पड़ेगा कि किस डिपार्टमेंट को लेना है, समझ कैसे बढ़ानी है, लेकिन रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम की जो बात है ये एक पॉइंट मुझे लगता है महत्वपूर्ण है, वो रखना चाहिए। एक चीज मुझको बताइए, एक और बात है, हम बस्तर में कवर्धा में कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में किस साइज की बात कर रहे हैं, कितने हजार लोग होंगे? देखिए दो लोग भी दो प्रकार के होते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो काडर किस लेवल का है। राइट, जो मेजर मेजॉरिटी इनकी है जिसको ये बेस फोर्स बोलते हैं, देखिए एक इनकी पीएलजी है, पीएलजी में नीचे बेस फोर्स है जो मिलिशिया होता है,
मिलिशिया सामान्यतः गांव के इलाके में रह के काम करता है, डीकेएमएस केएमएस ये उनके पार्टी मेंबर है सच वो नहीं होंगे, लेकिन ये नीचे की नेटवर्किंग के लिए ये उनके महत्वपूर्ण काडर है। वो लोग गांव छोड़ के नहीं आना, उनकी जमीनें हैं, उनका बहुत कुछ है, तो उनका रिहेबिलिटेशन उस प्रकार का नहीं है जैसे बड़े काडर्स का, जो उनके आम काडर थे सामान्यता, है ना, जो LOS LGS प्लेटून कंपनी के सदस्य हैं, तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि जो अपने गांव में जाके रिहेबिलिटेट होने वाले हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। हाँ। तो वो चले जाते हैं, उनको राशि दे दो, अपना कुछ बना के वो कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो वहीं रह रहे हैं अभी और जिनको बाद में भी वहीं रहना है, जो शहर तो उसमें ज़्यादा, जी हाँ, तो वो नहीं। लेकिन जो दूसरे हैं उनकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है कि बहुत चिंता करने की बात पड़े, अगर ज़्यादा है तो हम ये बहुत बड़े बोझ की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो खर्चा है वो इससे हजार गुना होगा। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो उसको अपने को थोड़ा देखना पड़ेगा, यानी ये पुनर्वास सरकार के ऊपर किसी तरह का बोझ नहीं है, इससे तो भारी बचत है, इससे बचत ही है, जब बाहर आएंगे तो मुझे लगता है नुकसान कम है। हाँ। और वो ये स्टेप तो एक अंदाज से कितने हजार लोगों का पुनर्वास की जरूरत पड़ेगी या कितने हजार पात्र हैं पुनर्वास के लिए? नहीं देखिए ऐसा है, मैं अगर कार्डर की बात करूं, माओस के कुछ डॉक्यूमेंट बोलते हैं या अदरवाइज भी, तो जो पार्टी मेंबर जिसको बोलते हैं ये लोग, है ना, वो मुझे लगता है, अब मैं फिगर ज्यादा बोलना नहीं चाहता यहाँ पर, लेकिन फिर भी दिक्कत है। हाँ, मतलब अगर मैं बोलूँ तो 2500-3000 मानिए दंड कारने में, ये कार्डर हैं जो उनके जो रेगुलर कार्डर है, ठीक, जिसको वो क्या बोलते हैं प्रोफेशनल रिवोल्यूशनरी, PR शब्द यूज करते हैं। अच्छा। जो उनके पार्ट टाइम वाले नहीं है, ठीक, जो घर बार छोड़ के चलते हैं, फुल टाइमर है, तो ये फुल टाइमर है। हाँ। और को प्रोफेशनल रिवोल्यूशनरी, तो 2500 के करीब तो लगते मतलब हैं। हाँ, ये टोटल थोड़ा फिगर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक, लेकिन 2000 से 3000। लेकिन सरकार जब पुनर्वास का न्योता दे रही है लोगों को, तो उसमें इनके नीचे के भी लोग होंगे, वो मैंने बताया वो गांव के, यानी वो संख्या में कितने होंगे, मैं एक अंदाज चाहता हूँ। वो वैसे तो वो लाख में भी, वो तो ज्यादा संख्या में है, वो ज्यादा, क्योंकि जो DKMS KMS मिलिशिया ये जितने हाँ, भी हैं हाँ, ये तो फिर ज्यादा आ जाते हैं, इनकी संख्या वो तो, बड़ी संख्या है। हाँ, जो बंदूक थाम के पूरे समय वर्दी में नहीं चलते, 5-6 साल की पहले की रिपोर्ट में 3 लाख थे, 3 लाख थे उस समय नीचे के लोग, 1-2 लाख, 2.5 लाख। अब एक चीज बतलाइए मुझको, असली या नकली जैसा भी सरेंडर पिछले कई साल से चल रहा है छत्तीसगढ़ में, मैंने यहाँ के एक DG थे जिनके साथ मेरा उठना बैठना था, उनको मैंने कहा कि ये बहुत सारे सरेंडर जो आपकी पुलिस करवा रही है बस्तर में, ये फेक सरेंडर है, ये लोग कभी नक्सली थे ही नहीं, इनका नाम किसी भी केस में एनकाउंटर में जोड़ दिया जाता है 10-20 लोगों का, फिर 25-50 हज़ार इनाम रख दिया जाता है, फिर उनको नक्सल सरेंडर के नाम पे करवा के 15-20 हज़ार और दे दिया जाता है। तो उन्होंने मुझको कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस जो है पहले तो फेक एनकाउंटर किलिंग के नाम पे बदनाम थी, अब वो फेक सरेंडर पे अगर आ गया है तो आपको नहीं लगता बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है, नौबत बहुत अच्छी है, ऐसा उन्होंने कहा था। आप भी जानते हैं उस अफसर को, लेकिन निजी बातचीत थी तो मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि जो लोग सरेंडर कर चुके हैं नक्सल मोर्चे पर, उनके साथ नक्सलियों का भी क्या बर्ताव है, कितने खतरे में जीते हैं, क्या सरेंडर कर चुके लोगों को वो मार डालते हैं, बदला लेते हैं, क्या करते हैं उनके साथ जो अभी सरेंडर किए हुए हैं, 100-200-500 तो सरेंडर किए हुए हैं ही। माउस जो है वो दो कैटेगरी में बांटते हैं उनको। हाँ। एक वो बांटते हैं जो छोड़ के बिना पुलिस को बताए गांव में चले गए, ऐसे होते हैं जो अपने आप ही अच्छा पार्टी को छोड़ देते हैं, जिसमें पुलिस और सरकार पिक्चर में नहीं है, छोड़ के चले गए, नक्सल आंदोलन को छोड़ा और अपने गांव जाके अपना काम करने लगे। आपने देखा होगा अभी कुछ महीने पहले एक हाँ। एक वेंगू हाँ। DKZC का मेंबर था, जो टेक्निकल का इंचार्ज था, वो बूढ़ा हो गया था, तो माउस की अंडरस्टैंडिंग वो आंध्र प्रदेश में जाके कहीं किसी के एक जिले में रहने लग गया। अच्छा। ही लेफ्ट द पार्टी और जाके रहने लग गया, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, उसको अभी अरेस्ट किया। अच्छा। उसके पुराने जो भी कारनामे थे, तो वो कई ऐसे लोग हैं जो छोड़ के गांव में चले जाते हैं, राइट। तो उनको माओवादी, उनकी अंडरस्टैंडिंग से होता कि हम जा रहे हैं, हमको इस कारण से जाना नहीं रहना है, या बच्चे पैदा करना है, या माँ भी जो सब शादी हो गए चले गए तो भी छोड़ के जाते हैं, जो राइफल दे के चले जाते हैं, तो वो चले जाते हैं। तो उनको माओवादी सामान्यतः नहीं कुछ कहते। हाँ, दूसरी कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी ये हो जाती है जो जाको पुलिस को ज्वाइन करते हैं। हाँ। उनको लगता है कि ये ना केवल इन्होंने हमारी जानकारी उनको दी है, हमारा हथियार भी दे दिया, हथियार दिया हो चाहे ना दिया हो, आप उसके साथ ज्वाइन भी किए जाकर, और दूसरा अब आप उनके साथ हमारे ऊपर अटैक करने आ रहे हैं,
उनके हिस्से, तो उनको वो गद्दार बोलते हैं। तो जिनको गद्दार बोलते हैं उनकी कोशिश ये रहती है कि मौका मिलने पे मारे उनको, तो उनकी लाइफ थोड़ी सी खतरे में रहती है। लेकिन अगर वो पुलिस का फोर्स बन गए तो हम तो सारे अदरवाइज भी वो एनिमी मानते हैं हमको। हाँ, वो तो जो नक्सल काडर छोड़ के नहीं आई है पुलिस, उसको भी वैसे ही मारेंगे। तो उनके ये कैलकुलेटेड रिस्क, ये उनको भी पता है जो सरेंडर कर रहे हैं कि किस प्रकार से इन दोनों के। लेकिन मैंने देखा वो ओके फील करते हैं, मतलब पुलिस के साथ आके। इन दोनों के बीच कोई तीसरी कैटेगरी हो सकती है? तीसरी कैटेगरी संदेह की होती है, नहीं कि वो कि वो छोड़ के आ गए लेकिन पुलिस ज्वाइन नहीं किया। अभी जैसे सरकार बोल रही है कि आप प्रदेश में जिस शहर में चाहोगे हम वहां मकान देंगे, तो वो रहने लगे, दूसरा काम करने लगे मान लीजिए, तो उनके लिए क्या रुख रहता है नक्सलियों का? उनके लिए मुझे नहीं लगता कि ज्यादा खतरा है ऐसा। अगर वो पुलिस के साथ साथ नहीं दे रहे तो उनको खतरा नहीं। तो अगर पुलिस वर्दी पहन के पुलिस बन के अगर वहां जा रहे हैं तो वो बराबर का खतरा है। तो जैसा पुलिस को खतरा है वैसा उनको खतरा है, कोई अतिरिक्त खतरा नहीं है वहां, क्योंकि वो उनको गद्दार घोषित कर देते हैं। तो ये तीन तबके आपको मोटे तौर पे दिखते हैं जी, जो उनसे बातचीत करके सहमति से छोड़ के आ गए अपना काम करने लगे तो वो उसको माइंड नहीं करते। एक दूसरा जो पुलिस को ज्वाइन कर लिए, पुलिस बन के मोर्चे पे जा रहे हैं, वो दुश्मन हो गए। फिर चाहे नक्सल मोर्चे पे ना जाएं, किसी थाने में रहें शहर के, तो भी मौका मिलेगा, तो कई बार मौका मिला। हालांकि उनके पास इतनी फोर्स नहीं है कि यहाँ आके बर्बाद करें, वो अब कम हो गया ऐसा, वो कम हो गया। कभी कभी हमले की पहले कुछ घटनाएं हुई थी, सुनाई नहीं देता ऐसा कुछ, तो ऐसे किसी को मारे हो ऐसा नहीं लगता। लेकिन ऐसे लोग होंगे जो छोड़ के आए हैं, जो पुलिस में नहीं गए हैं, शहरों में बस गए हैं, और उनको गद्दार कहा है लेकिन मारा नहीं है। हाँ, उनको जो पुलिस से हट गए उनको फिर वो गद्दार की श्रेणी से बाहर को, यानी अगर आप पुलिस को ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप सेफ हैं। सेफ है ये है जी। तो पुनर्वास नीति जो है वो जान के खतरे वाली अनिवार्य रूप से हो ऐसा नहीं वो तो देखिए जो सरेंडर करेगा उसकी बिना सहमति के तो कैसे उसकी जो वैसा चाहता है रिहैबिलिटेशन का मतलब ही कि अगर आप पुलिस बनना चाहते हो भाई तो जो खतरा पुलिस के सिर पे है वो तुम्हारे सिर पे भी रहेगा। तो ये उसकी कंसेंट के बिना तो कुछ होना नहीं है। तो इसलिए जो उसकी प्रायोरिटी है तो उसको ऑनर करना है। कुल मिला के ये है जो आप गढ़चिरौली में सुन के आए हो आत्मसमर्पित, यहाँ के भी यहाँ से भी बात हुई होगी आपकी, कुल मिलाकर यह है कि उनको एक बार रहने का इंतजाम जो मिलता है, इसके साथ साथ उनके जिंदा रहने का काम काज जो है किसी न किसी तरह का, उनके हुनर पे, उनकी काबिलियत पे, जिस तरह का वो कर सकते हैं कोई ना कोई होना चाहिए। या उनको ट्रेनिंग दे सकते उसके, वोकेशनल। उसके बिना मुश्किल रहेगा उनका भरोसा होना पुनर्वास पे। ये एक मेजर चीज है, ये एक मेजर चीज है। मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार ने उनसे प्रस्ताव मांगा है, आपको सरेंडर हालांकि नहीं करना है लेकिन आप सुझाव तो दे ही सकते हैं। उन्होंने सुझाव तो सभी से मांगे हैं, मैं भी सोचूंगा क्या क्या हो सकता जी, है। बिल्कुल देना ये आपको लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद बिस्ट साहब इस बात के लिए। आज की जो बातचीत है हमारी ये बड़ी दिलचस्प और बड़ी जरूरी इसलिए है कि नक्सल मोर्चे पर बातचीत कैसे हो सकती है, कौन लोग कर सकते हैं, क्या बिस्ट साहब जैसे कुछ रिटायर्ड पुलिस वाले ऐसे हो सकते हैं जिनके ऊपर नक्सलियों को इतना भरोसा हो कि इनको भी कमेटी में रख लेंगे तो हम बात कर लेंगे, या इनके नाम को खारिज कर देंगे, मैं नहीं जानता हूं अभी। लेकिन कोई ना कोई सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे हो सकते हैं, कोई ना कोई रिटायर्ड अफसर ऐसे हो सकते हैं, अखबार नवीस भी हो सकते हैं। मुझसे तो उन्होंने पिछले 15-20 सालों में संपर्क नहीं किया है इसलिए मैं ज़्यादा अपने बारे में नहीं बतला सकता हूं। लेकिन कुछ अखबार नवीस ऐसे ज़रूर होंगे जिनसे उनका संपर्क होगा, वो भी मध्यस्थ बन सकते हैं। मुझको ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो प्रस्ताव रखा है ये एक ऐसा प्रस्ताव है जिसपे देश की लोकतांत्रिक ताकतों को कोशिश करना चाहिए कि बातचीत किसी तरह से हो। बातचीत के बाद अगर नहीं होता है, कोई समझौता नहीं होता है, शांति वार्ता कामयाब नहीं होती, तो कोई बुराई नहीं है। मुझको लगता है बातचीत अपने आप में कामयाबी है। अगर जिसका लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है उसको बातचीत की टेबल तक अगर आप ले आते हैं, बातचीत करते हैं बैठ के, ये अपने आप में कामयाबी की बात है। देखते हैं देश की कौन कौन सी ताकतें, कौन कौन से लोग इसमें मदद करते हैं। मैं ये भी चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने जो ईमेल एड्रेस दिया है, जो QR कोड दिया है, उस पर जाके अगर आपको लगता है कि नक्सलियों का पुनर्वास कैसे होना चाहिए जो सरेंडर करेंगे उनका,
आपको भी सलाह लिखना चाहिए इसके बारे में, चाहे देश के किसी भी हिस्से में बसे हुए हों आप। ये दो मुद्दे, इन पे हमने विद साहब से कुछ चीज़ों को समझा है, बाकी बातों को लेकर हम आगे, ये अगर बातचीत आगे बढ़ेगी छत्तीसगढ़ की, हम फिर किसी दिन आपके सामने रहेंगे। फिलहाल अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो इंडिया आजकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा, अपने दोस्तों को इसका लिंक भेजिएगा, क्योंकि नक्सल समस्या से देश के आधा दर्जन राज्य कम या अधिक दूर तक प्रभावित हैं, छत्तीसगढ़ बहुत प्रभावित है। मैं तो अपने कुछ ऐसे विदेशी दोस्तों की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया जो छत्तीसगढ़ आने वाले थे और जिनका ये अंदाज था कि रायपुर में प्लेन से निकलेंगे तो दाएं बाएं से गोलियां चलती रहेंगी, उनका छत्तीसगढ़ के बारे में ऐसा सोचना था। मैं आपको बताऊं, एक किसी की शादी की तैयारी में मैं जोड़ा ढूंढ रहा था, जैसे ही उनसे मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ के इस लड़की के लिए लड़का चाहिए या लड़के के लिए लड़की चाहिए, उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ से हम कोई रिश्ता करना नहीं चाहेंगे। ऐसी साख हो गई है छत्तीसगढ़ की, हालांकि खतरा उतना बड़ा नहीं है। जिन विदेशी दोस्तों को लगा कि दाएं बाएं से गोलियां निकलेगी, उनको मैंने बताया कि पिछले 30 साल से ज़्यादा साल से बस्तर में नक्सली हैं, नक्सल हिंसा चल रही है, आंदोलन चल रहा है उनका, एक भी विदेशी को, एक भी विदेशी पर्यटक या पत्रकार को उन्होंने नहीं मारा है। तो लोगों को कई तरह की गलतफहमियां हैं नक्सल खतरे को लेकर। हमारी बातचीत बहुत अच्छी हुई है विद साहब से, बहुत से पहलुओं पर हमको बड़ी नई जानकारी मिली है, आपको भी लग रहा होगा कि ये काम की जानकारी है। अपने दोस्तों तक इस लिंक को बढ़ाइएगा और पूछिएगा उनका क्या सोचना है, हम फिर आपके बीच में आएंगे। फिलहाल एक छोटी सी सलाह आपके लिए ये है कि अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू का शौक रखते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि कैंसर भी ऐसे लोगों को मारने और खाने का शौकीन रहता है जो गुटखा तम्बाकू खाते हैं। अगर आप सिगरेट पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, तो कैंसर 150 किलोमीटर पीछे रहता है, आपसे आके बैठेगा, आपके मुंह में बैठेगा, फेफड़े में बैठेगा, पूरा गाल काट के फेंक दिया जाता है। आप देश के एक बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र के केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं, एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, जानते हैं आप, उनके मुँह की हालत देखिए, नाम भी बतला देता हूँ, कुछ छुपा हुआ नहीं, शरद पवार के मुँह की हालत देखिए आप, क्या आप चाहते हैं आपके मुंह की भी वैसी ही हालत रहे? मेरी हमदर्दी है उनके साथ, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, तंबाकू सिगरेट आपको वैसी ही नौबत पे ला सकते हैं कि आपकी बोली आवाज़ कोई ना समझ सके, आपके मुंह से कुछ टपकता रहे पूरे समय, और फिर कैंसर आपके भीतर बैठ कर, आपके फेफड़े में, मुँह में बैठ कर अपना स्मार्टफोन निकालता है, उससे गूगल लोकेशन लाइव शेयर करता है, ऊपर एक भैंसे पे बैठा रहता है ना, गदा लिया हुआ, मुकुट लगाया हुआ, एक मोटा सा बड़ी मूंछ वाला एक आदमी, उसको बतलाता है यहाँ पे एक रेडीमेड केस तैयार है तुम्हारे लिए, आ जाओ। क्योंकि लाइव लोकेशन भेजता है कैंसर, तो वो आ जाता है, आप कहीं पे भी रहो, इससे बचिए। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, इसको किसी भी शक्ल में छोड़ दीजिए, अपने परिवार पर रहम कीजिए, अपने आप पर रहम कीजिए। फिर मिलेंगे।